हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज मैं आप लोगों से बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। डिफरेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों को होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ स्किन पिलिंग के बारे में। तो आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा क्या होता है, नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। बेसिकली होता क्या है, हमारी जो स्किन होती है उसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे फर्स्ट जो हमें दिख रही है आउटर लेयर, देन नेक्स्ट होती है मिडल लेयर जो इसके बाद होती है, ओके। देन उसके अंदर भी एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर। तो ऐसे 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन की। सो गाइस, होता क्या है कि समय समय पे स्किन अपने मतलब बॉडी जो है अपने स्किन को रिप्लेस करती है। कई लोगों की दिक्कत आती है वो चीज़ स्किन निकलते हुए, पील होते हुए। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे करके उनकी निकल जाती है, दिखती नहीं है। लेकिन जिनका दिखता है तो बहुत ख़राब लगता है। कई लोग क्या करते हैं, वहाँ ईचिंग होती है, फिर उसे पील करते हैं ऐसे स्क्रैच करके। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे में आपकी स्किन जो है वो और डैमेज हो सकती है। तो होता क्या है कि कई लोगों को मतलब मोस्ट ऑफ जो ये प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा गया है वो ड्राई स्किन को देखा गया है। तो ड्राई स्किन में होता क्या है कि उसे अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोग पीते नहीं हैं, पानी का इंटेक नहीं करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है और वो निकलने लगती है। तो हमें वो सामने दिखती है और हम लोग क्या करते हैं, यूं करके इस तरीके से पील करते हैं, हम उसे खींचते हैं स्किन को। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या फिर आपको किसी को एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर यूवी रेस के कारण भी स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी कई सारे इसके रीजंस होते हैं। तो देखा जाए तो मतलब हम मुद्दे की बात करें तो हम लोग इसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसको अच्छे से आसानी से हम घर में ही कैसे निकाल सकते हैं। कई लोग खींच के निकाल लेते हैं। दूसरा क्या, एक इसका होता है कि पार्लर्स में भी आजकल इसके जो है ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन पीलिंग के, तो वो सब केमिकल बेस्ड होते हैं। तो मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने करना है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इसके लिए कई सारे ऐसे 5 या 6 रेमेडीज़ बताऊँगी, होम रेमेडीज़, जिनकी वजह से आपकी स्किन जो है वो अच्छी तरीके से निकल भी सकती है और न्यू स्किन आने में आपको उससे मदद मिल जाएगी, और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा, और जो दिख रही है ऊपर स्किन वो बिल्कुल 1 टाइम में ही फटाफट से निकल जाएगी। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ मैं पिक लगा दूँगी। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से स्किन निकलती है, पील होती है। तो मैं यहाँ इस साइड आप लोगों को एक पिक लगा दूँगी, स्किन कैसे निकलती है, कैसे दिखती है, तो आप लोगों को एक छोटा मोटा सा अंदाज़ा हो जाएगा, ओके। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को फटाफट से बताती हूँ इसकी रेमेडीज़ और हमें इसको कैसे क्योर करना है। सो गाइस, सबसे फर्स्ट हम लोग इस रेमेडी में यूज़ करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट जो रेमेडी है उसमें हम यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल। सो गाइस, यू कैन सी, ये है फिगारो का ऑलिव ऑयल, और आप लोग देख सकते हो मैंने इतना सा ही बचा है, पूरा यूज़ कर चुकी हूँ मैं। मुझे काफ़ी पसंद है ऑयल्स यूज़ करना, बिकॉज ये डीपली आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं और काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो मुझे स्पेशली ऑयल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कम टू द पॉइंट, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इससे करना क्या है आपको। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपको पूरी बॉडी पे, किसी किसी को बॉडी पे भी हो जाता है। तो अगर बॉडी के अकॉर्डिंग लेना तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी लेना है। फेस के हिसाब से बता रही हूँ, 1 चम्मच लेना है आपने ऑलिव ऑयल, उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपने अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है अपने आपकी स्किन को, जब तक कि आपकी स्किन में वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट ना हो जाए तब तक, ओके। देन उसके बाद आप ल्यूकवॉर्म वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। ऐसा करने से होगा क्या कि आपकी जो रूखी त्वचा है वो बिल्कुल मतलब उसमें ऐसा लगेगा जैसे आपने मॉइस्चर भर दिया है। ऑलिव ऑयल में क्या है, फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ही बेस्ट एंड एक्सेलेंटली वर्क करते हैं ड्राई स्किन के लिए, तो इट्स अमेजिंग। तो इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो ड्राई स्किन वालों के लिए, तो बहुत ही गजब की चीज़ है ये। और ये आपके स्किन में इसके अंदर विटामिन ई भी भरपूर पाया जाता है, तो विटामिन ई इन सारी चीज़ों को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। और ऑलिव ऑयल करेगा क्या कि आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। सो इस तरीके से आप इसे यूज़ करना है। देन नेक्स्ट इसका एक यूज़ और है, आप इसे एज अ स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में 1 चम्मच
नमक यूज करना है, नमक आप कोई भी ले सकते हो। तो दोनों को मिक्स करके और आपका स्क्रबर रेडी हो जाएगा और आप अपनी पूरी बॉडी पे भी इसे एज अ स्क्रबर यूज कर सकते हो। अपने जो भी स्किन निकल रही है आपने इसे नोच नोच के निकालना है, आप उस स्क्रबर का यूज करोगे तो उसके साथ आप देखोगे आपकी जो डेड स्किन ऊपर आ गई है, मरी हुई चमड़ी, वो उसके साथ निकल जाएगी। देन गाइज नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रेमेडी की, सेकेंड नंबर की, उसमें हम लोग यूज करेंगे एलोवेरा जेल। सो यू कैन सी ये है ला ऑरिगेनो का प्योर एलोवेरा जेल। आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो, इतना सफिशियंट है आपका आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल क्या करता है कि आपकी स्किन को सूट करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, या आपकी स्किन को ईचिंग से बचाता है, इरिटेशन जो उस वक्त हो जाती है जब स्किन पीलिंग होने लगती है, स्किन निकलने लगती है, उस वक्त बहुत ईचिंग होती है, तो ये उन सारी चीज़ों को वहीं रोक देता है। आपने क्या करना है, एक टेबलस्पून लेना है एलोवेरा जेल, उसके अंदर मिक्स करना है आधा चम्मच विटामिन ई का ऑयल। ओके, अगर विटामिन ई ऑयल आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो टेंशन ना ले, जो इवियन का कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स, उसमें से दो कैप्सूल अपने फूड लेना है और उसे आपने पिन की हेल्प से आप पोक कर सकते हो या फिर सीजर से आप कट करके उसे आपने मिला लेना है एलोवेरा जेल में। उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके देन उसके बाद आपने इससे मसाज करना है। तब तक मसाज करना है जब तक वो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट ना हो जाए, और उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दे 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए। जैसे ही वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है कि उसे ल्यूकोम वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, एंड उसके बाद जो भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो वो कर लेना है। इससे आपकी स्किन बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगी। देन गाइस नेक्स्ट रेमेडी में हम लोग थर्ड वाली जो रेमेडी रहेगी उसमें हम लोग यूज करेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि है मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट। तो आप लोग देख सकते हो ये है द नेचुरल वॉश की ओर से, और ये 100% ऑर्गेनिक एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है। आपने जब भी अपने स्किन पे यूज करना है कोकोनट ऑयल तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज करना है। ओके, तो आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो या फिर अदर किसी ब्रांड का ले सकते हो। तो आपने इसमें करना क्या है, जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है स्किन पीलिंग के लिए। वो कोकोनट ऑयल बहुत जल्दी आपकी स्किन को हील करता है, बहुत जल्दी आपकी स्किन पील करने में हेल्प करता है। सबसे बेस्ट रेमेडी मानी गई है स्किन पीलिंग के लिए कोकोनट ऑयल को। और कोकोनट ऑयल में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपके स्किन से रिड्यूस करती है ईचिंग को, इरिटेशन को, और एंटीबैक्टीरियल भी माना गया है, तो आपके स्किन से दाग धब्बों को और पिंपल्स को हटाने में भी आपकी हेल्प करता है। सो इन शॉर्ट हमने करना क्या है कि आपने लेना है एक चम्मच कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड और वर्जिन कोकोनट ऑयल ही लेना है आपने, और एक चम्मच ऑयल को आपने अच्छी तरीके से थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ल्यूकॉम करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लगाना है, ल्यूकॉम करके अच्छी तरीके से पूरी फेस पर मसाज करना है 15 से 20 मिनट के लिए, देन ऐसे ही छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। और आप चाहो तो इसे रात में लगा कर छोड़ सकते हो, बिकॉज ड्राई स्किन वालों को पिम्पल विम्पल की प्रॉब्लम होती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर आपने थोड़ी देर रखकर ऐसे ही फिर आपने वॉश कर लेना है ल्यूकॉम वाटर से। और आप लोग देखोगे इस वाली रेमेडी का आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक दो दिन में ही मिल जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर और ग्लोई दिखेगी। देन गाइस रेमेडी नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें यूज करेंगे हनी। सॉरी, तो हनी जो है वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, आपकी स्किन में भर भर के मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। हनी के बहुत सारे फायदे हैं और ये आपको स्किन पीलिंग में भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है, और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके स्किन को ऑयल मतलब जो आप पीलिंग होती है स्किन पीलिंग उस वक्त जो इरिटेशन एंड ईचिंग होती है उससे ये आपको उन चीज़ों को रिड्यूस करता है। और इसमें भरपूर मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सो गाइस आपने करना क्या है कि आपने लेना है एक चम्मच हनी, हनी को अपने फिंगर्स की हेल्प से अच्छी तरीके से पूरे फेस पर अच्छी तरीके से मसाज करना है, 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, देन उसके बाद ल्यूकोम वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। फर्स्ट तो आपने ये करना है, ये नहीं हो पा रहा है तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट
दूसरा इसका एक और उपयोग है, आपने क्या करना है, एक चम्मच हनी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच आपने सैंडलवुड पाउडर ऐड करना है और 1 से 2 पिंच हल्दी ऐड करना है। इसका एक पेस्ट बना लेना है, ये एक मास्क बन जाएगा आपका, और इसे आपने 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, दैन उसके बाद वॉश कर लेना है। तो आप इसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपने आपको अगर ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपने जो सिर्फ हनी लगाकर रखना है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो रेमेडी बताई थी उसको आपने दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर ले, तो आपका जो जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो विद इन अ वीक खत्म हो जाएगी ये प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपने इसे यूज़ करना है। देन गाइस, रेमेडी नंबर 5 में हम लोग यूज़ करेंगे योगर्ट, मीन्स दही। तो दही का आपने क्या करना है, दही आप लोगों को पता ही है बहुत ही गजब का वर्क करती है। दही जो है वो नेचुरल मॉइस्चराइजर माना गया है, और ड्राई स्किन वालों के लिए तो जैसे वरदान ही है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये इसलिए अच्छा है बिकॉज ये डीपली मॉइस्चराइज करता है ड्राई स्किन को। तो आप लोगों को ये स्किन में जो प्रॉब्लम्स आने लगती है पीलिंग वीलिंग की, ये प्रॉब्लम्स ये जड़ से खत्म कर देता है, बिकॉज ये हैवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर माना गया है जो कि आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है। ओके, सो आपने करना क्या है कि 1 चम्मच दही लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच हनी मिक्स करना है, उससे अच्छे तरीके से पहले मसाज करके और फिर उसके बाद ऐसे ही मास्क की तरह इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ल्यूकोम वाटर से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना भूलना नहीं है। जब भी आप फेस को वॉश करें उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही है, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो। ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये मैं आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ कि मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो गाइस, यही थी आज के मेरी स्किन पीलिंग के लिए 5 टॉप 5 जो रेमेडीज थी, होम रेमेडीज। इन्हें ज़रूर अप्लाई कीजिए, और इन्हें अप्लाई करने के बारे में मैंने आप लोगों को उन रेमेडीज़ में नहीं बताया, तो मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ कि ये जितनी भी रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, अगर आप लोगों को स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम हो गई है तो आपने क्या करना है कि एक दिन में इन रेमेडीज़ को 3-3 बार यूज़ करना है। सारी रेमेडीज़ नहीं, जो भी आपको उसमें से सूटेबल होती है, जो भी आपके पास अभी वो चीज़ें पड़ी हो उसमें से, जो भी एक कोई भी एक रेमेडी को ही फॉलो करना है। ओके, और लास्ट तक करना है, छोड़ना नहीं बीच में, जब तक आपकी स्किन अच्छी तरीके से हील नहीं हो जाती है, वापस से रिपेयर नहीं हो जाती तब तक। तो आपने क्या करना है कि एक दिन में 2 से 3 बार उसी चीज़ को रिपीटेडली मतलब करते रहना है, और आप लोग देखोगे इससे 2 से 3 दिन में ही आपकी स्किन जो है वो रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही स्किन रिपेयर हो जाती है उसके बाद उसे छोड़ना नहीं है, आपने उसे वीक में 2 से 3 बार ऐसे गैप कर देना है, ताकि डेली डेली फिर उसे नहीं करना, आपने उसे गैप कर करके इस तरीके से पूरा करना है। ओके, सो वेल गाइस, यही था आज का मेरा वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इन चीज़ों को आप लोग यूज़ करते हो या नहीं करते हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किसी चीज़ के लिए मतलब कोई आपको प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग, अगर आप लोग कोई वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, प्लीज़ जाकर वहाँ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को किससे रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊंगी। सो गाइस, यही था मेरा वीडियो। सो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।